दिल्ली में आगामी G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर भारत मंडपम के सामने शिव नटराज की प्रतिमा स्थापित की है, जो कि 27 फीट ऊंची और 20 टन वजनी है। इसे प्राचीन लॉस्टवेक्स तकनीक का उपयोग करके अष्ट धातु यानी 8 धातु कॉपर, जिंक, लीड, टीन, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी और आयन के साथ तैयार किया गया है और यह अष्ट धातु से बनी सबसे ऊंची मूर्ति है। तमिलनाडु के स्वामी मलई के राधा कृष्णन स्थापति और उनकी टीम द्वारा 7 महीने के रिकॉर्ड में तैयार की गई यह मूर्ति चोल साम्राज्य के समय के मूर्तिकारों की 34 पीढ़ियों की विरासत को दर्शाती है। राधा कृष्णन के पिता देव सेनापति स्थापति चोल कांस्य मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो इस विरासत को बढ़ाते हैं। इस मूर्ति को बनाने के लिए 100 से अधिक कलाकारों ने लॉस्टवेक्स कास्टिंग विधि में महारत हासिल करते हुए 3.25 लाख मानव घंटे समर्पित किए हैं। द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के सदस्य सचिव सच्चिदानंद जोशी के अनुसार यह प्रतिमा लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है।